चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, भले भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। सपना कुछ ऐसा था कि जब विदेशों से काला धन देश में आएगा तो हर भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, लेकिन तिजोरी में जितने पैसे आए हैं उसमें आपके हिस्से सिर्फ और सिर्फ 18 रुपए आएंगे। काले धन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी अपने ही एक और दावे पर फंसते नजर आ रहे हैं। इसी साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मोदी ने कहा था कि लोगों ने करीब 6,500 करोड़ रुपए के काले धन के बारे में सरकार को बताया है, लेकिन अब जो काला धन सामने आया है वो है 3,770 करोड़ रुपए। तो क्या मोदी झूठ बोल रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी ने वादा जरूर किया था, लेकिन उस वादे का क्या हुआ वो आपके सामने। न तो सरकार अभी तक विदेशों में जमा काले धन का सही आंकड़ा बता पाई है और न ही रकम लाने में कामयाब दिख रही है।